कहते हैं कि पैसा काम नहीं होता, एक दुआ काम आती है ये तो, और इनकी दुआ डायरेक्ट भगवान तक जाती है भाई। शायद एक बात उस दिन कि सेवा करने के लिए कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल भाई, मैं रोहित कुश भाई, आज मैं पहुंचा हूं एक मतलब अच्छाई की जगह लगा लो कि भला काम होता है, जहाँ पे एक एनजीओ है इन प्यारे से डॉग्स का, ये स्ट्रीट डॉग्स है, मतलब बोल के नहीं कह सकते कुछ भी, और एनिमल सेंटर का नाम है गीत ईशान एनिमल केयर सेंटर, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स की सेवा होती है जी। और अगर कोई जैसे किसी भाई के पास भी कोई फीमेल हो, वो ऑपरेशन कराते हैं इनका, मान लो स्टरलाइजेशन बोल देते हैं जिसको, जिससे कि ताकि वो इन फ्यूचर पपीज़ ना दे सके, और उसका मेन कारण ये है, कहीं भाई बोल देते हैं कि ये बुरा काम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक पपी आया हुआ है यहाँ पे, और उस पपी की लेग ब्रेक है, शायद किसी कार वाले ने हिट किया उसको भी और उसकी मदर को भी, ताकि वो सर्वाइव करने से बच जाएं, ये सबसे बड़ा काम है। और ये नेक काम हमारे मैम है पूनम शर्मा जी, जो इस एनजीओ को रन करते हैं, तो एक बार मैं उनसे मिलवा देता हूँ। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, आज मेरे ब्रदर हैं जो कैमरे के पीछे हैं, साहिल जाट, इनका बर्थडे है, और ये छोटी सी एक भेंट लेके आए हैं अपने मतलब अपनी नेक कमाई से लगा लो जैसे भी, इन डॉग्स के लिए। तो चलिए एक बार मैं मैम से मिलवा देता हूँ जी आपको, और पूछते हैं थोड़ी सी बहुत बातचीत करते हैं उनसे, उनके बारे में वो क्या डाइट दे रहे हैं इनको, और कितने उनके पास डॉग हैं, और कैसे वो रन कर रहे हैं इस एनजीओ को। एक तो मेरे साथ हैं जी मैम पूनम शर्मा जी, नमस्कार मैम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी। मैम जैसे आप ये एक मेरे हिसाब से तो एक भगवान का रूप ही हो आप, कि इनकी सेवा कर रहे हो। देखो एक छोटी सी बात है, ये बोलते जी वह कुछ नहीं कह सकते, हर कोई देखो हम भी प्रमोट करते हैं डॉग ब्रीड को, बट मेरी ये पहली वीडियो है एक एनजीओ की। मैम मेरे को जो हमारे जैसे हमारे पेट्स जाते हैं लाइफ लाइन पेट केयर में, तो वहाँ पे मिले थे आप मेरे को शायद पहली बार, तब मैंने आपसे पूछा था कि आप जब भी मिले मेरे को आप तो स्ट्रीट डॉग ही लेके आए हो। ठीक है, और अभी अपने पास कितने डॉग्स हैं यहाँ? मेरे पास एक्चुअली अभी तक तो देखो मैक्सिमम 30 डॉग्स तो रहे रही हैं। ठीक है जी। बाकी इनकी पॉपुलेशन यूँ है कि आते रहते जाते रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, जो ब्लाइंड है, पैरालाइज है, जैसे अभी 2-3 और है पैरालाइज, वो शायद अंदर खाना दे रहे हैं, तो वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम परमानेंट यही रखते हैं। एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, मान लो देखो हर कोई आज के टाइम में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि मेरे को ये काम करना है, कि सेवा करनी है इनकी? बस ये लगा लो कि एक लाइफ के टाइम के बाद ये लगता है मेंटल सेटिस्फेक्शन कि लाइफ में आए तो करके क्या गए। ठीक है, अब पैसे से इंसान क्या करेगा, कपड़े खरीद लेगा, गाड़ियाँ खरीद लेगा, उससे मन की शांति नहीं, शांति तो मिलती है अपनी मन की शांति। तो एक बार हमें विजिट करा दो जी आपका, जो भी आपने यहाँ पे पपीज रखे हुए हैं और उनकी क्या क्या, मान लो आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ फीमेल्स आई हैं अभी वीकेंड में कि जिनको ऑपरेट वगैरह कराया आपने जो, हाँ जी आओ एक बार दिखा दे सर। मैं आपकी वीडियो के मतलब शुरू में ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो आप लोग मतलब लोगों से ये रिक्वेस्ट करो कि ना गाड़ी थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, क्योंकि मेरे पास है ना मोस्ट ऑफ केस है ना जैसे पैरालाइज वाले आते हैं या किसी की टांग तोड़ दी, तो बहुत सफर करते हैं ये जानवर बेचारे, हमारे 2 मिनट की जल्दी के कारण ये कितना सही है। और एक छोटी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगा भाई, जैसे कोई भी भाई अब गर्मियां हैं वैसे ही पेड़ तो बहुत कम हो गया जी, जो डॉग के छोटे पपीज या बड़े पपीज हमारी गाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं छाया के लिए, तो प्लीज जब भी आप गाड़ी रन करो मतलब स्टार्ट करो या कहीं जाने के लिए निकालो, तो प्लीज प्लीज आप अपनी गाड़ी के नीचे एक बार चेक कर लो, ताकि वो सफर ना कर सके आपके मतलब हिट का, और आप भी उसके पाप के भागीदार ना बनो। ठीक है ना जी, तो एक बार आप एक बार हमें वीडियो में दिखा देता हूँ, यहाँ पे केजेस भी हैं और ओपन भी डॉग हैं, कई डॉग्स हैं अंदर बैठे हैं, अभी मैं उनको निकालूंगी, वो कोई बात नहीं है, उनको खाना खाने दो, हम आराम से, उनकी इंजरी हो रखी है एक्सीडेंट से। ठीक है, और भाई ये सबसे क्यूट सबसे पहली देखो, एक केयरिंग मदर है और 3 पपीज, ये कब आए जी आपके पास? ये सर एक्चुअली इसको ट्यूमर था, अच्छा ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन ये प्रेग्नेंट भी थी। ठीक है, तो इसलिए यही पपी दे दिए। ठीक है, तो जैसे पपीज स्ट्रीट डॉग मैक्सिमम अटैक कर देते हैं किसी के पास, तो ये बिल्कुल शांत है? नहीं नहीं, बहुत अग्रेसिव है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा, अंदर ही रख रहे हैं अभी। अच्छा अग्रेसिव है पपीज के कारण? हाँ पपीज के कारण, वैसे तो फ्रेंडली थी पहले तो, लेकिन पपीज के कारण ही अग्रेसिव हो गई है। और ये सेकंड नंबर पे ये ब्लाइंड हो गया, ये ब्लाइंड है भाई, इसको दिखता नहीं, शायद इसकी बाइट में कुछ दिक्कत है क्या, ये चोट लगी है कुछ? नहीं नहीं, ये पता नहीं ये फेस ही ऐसे रखता है, जब स्टार्टिंग से मेरे पास आया इसको अप्रोक्सीमेटली मेरे से 8-9 मंथ हो गए हैं मेरे पास आए जी, तो जी। तब से ये ऐसे ही है, ये मतलब इस अपना इसका ये जो है ये ऐसे भागने लगा है।
उसके बाद ये इसको किसी गाड़ी ने हिट किया था, इसका जो बैक पोर्शन है वो पूरा डैमेज हो गया है। जी जी जी। अब इसका ये है देखो, इसकी लाइफ इतनी टफ है, ये अपने आप से यूरिन भी पास नहीं कर सकता, इसको खड़ा करना पड़ता है तब जाके ये यूरिन पास करता है। तो सेकंड वाले की वो लेग इंजरी थी, वो अब ठीक होगी, उसको हम मतलब रिलीव कर देंगे। जैसे आपके पास जो डॉग्स मान लो ठीक हो गया प्रॉपर, हाँ तो उसको आप क्या, हाँ मान लो अपने पास ही रखते हो या कहीं अच्छे घर में प्लेस करते हो, कैसे? नहीं नहीं, जैसे ये डॉग मैंने रेस्क्यू की थी सेक्टर 5 के मार्केट से, जी। तो अब ये ठीक हो गई है, तो इसकी एज ज्यादा है तो इसका मैं स्टरिलाइजेशन नहीं करवा रही, 8 इयर्स है वो है। जी जी। अगर 8 इयर्स से कम होती तो मैं इसका स्टरिलाइजेशन करवा के फिर इसकी लोकेशन भी छोड़ती। स्टरिलाइजेशन मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, स्टरिलाइजेशन एक किस्म से यूट्रस निकाल देते हैं फीमेल्स की, कि ताकि वो आगे प्रेग्नेंट ना हो सके और पपीज ना दे इसके। और ये कुछ बंदे बोल देते हैं कि ये अत्याचार, अत्याचार नहीं, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए, दिखाना भाई एक बार, ये एक फीमेल का पपी है, इसकी एक मिनट, इसकी स्टोरी बता रहे थे मैं आप क्या थी। इसकी जो मदर थी, इसकी मदर किसी गाड़ी ने हिट किया था जी, वो 3 डेज तक सफर करके मर गई, मतलब वो बच नहीं सकती थी, हमने काफी कोशिश की उसको बचाने की। जी जी। और ये पपी का मैं बताती हूँ, इसकी आंखों में इतना दुख था जब इसकी माँ रो रही थी उठ के, तब इसकी आंखें ना महसूस कर दर्द समझ सकते हैं भाई। देखो हम भी डॉग रखते हैं जी, अगर बीमार भी हो जाए तो यार, एक जैसे अपने घर का कोई बच्चा या मेंबर कोई बीमार हो जाए हमें वैसा फील होता है। कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। तो अब ये देखो इसकी ये वाली लेग है, ये किसी गाड़ी ने तोड़ दी है, अब इस पे प्लास्टर लगा हुआ है, अब देखो धीरे धीरे ये सर्वाइव करेगा। इस चीज के लिए वो कराते हैं स्टरिलाइजेशन की, ताकि ये पपीज सर्वाइव ना कर पाए यार, क्योंकि इनका देखने वाला कोई नहीं है रोड के ऊपर कि हाँ ये बच्चे हैं, कोई इनको फीड करा दे या कुछ भी, मतलब एक किस्म से ये लगा लो ये बिना माँ बाप के ही है, किस्म से कोई केयर करने वाला नहीं है। जब ये अपनी माँ के साथ आया था, इसकी माँ पेन में थी, इसकी आंखों से दर्द महसूस किया जा सकता था, आज 4-5 दिन बाद ये नॉर्मल हुआ है, कल से नॉर्मल हुआ है, वरना इतना दुखी था ये। ठीक है, और आगे जैसे अभी ये वाली फीमेल डॉग स्टरिलाइजेशन के लिए आई है, एक लेडी है इधर गांव में शरीफगढ़ के पास, जी जी। वो भी अपनी स्ट्रीट डॉग्स के, गाय के, सबकी बहुत सेवा करती है, तो बेचारी बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ पकड़ के छोड़ के गई है, इसको और इसको। अच्छा, अभी इनका ऑपरेट होना है? हाँ जी, इनका होना है अभी, इसका भी होना है। ये एक्चुअली दीवार जंप कर जाती है, इसलिए हमने थोड़ा सा अंदर बंद कर रखा है, कि इनका परसों फ्राइडे को मैं लेके जाऊंगी स्टरिलाइजेशन। और ये भी हो चुका है इनका? हाँ जी, इन 3 डॉग्स का हो चुका है। ये कॉलर इसीलिए डाले हुए हैं कि ताकि जो स्टिचेस लगते हैं इनको यूट्रस निकालने के लिए, कि वो उनको हार्म ना कर ले या वहाँ से निकाल ना ले, तो इसलिए कॉलर लगाए हुए हैं। इनके एक के भी स्टिचेस दिखा भी देती हूं जी। एक बार अंदर ही आ जा। ये स्टिचेस लगते हैं जी, देख लो, ये इसके स्टिचेस। इसका स्टरिलाइजेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि आजकल ट्यूमर फैला हुआ है, जी जी, और ट्यूमर मेल से फीमेल में आगे ट्रांसफर होता है, तो वो एक इलाज हो जाता है मेरे हिसाब से टाइम के बाद। अब ये हीट में नहीं आएंगे तो वो आगे ट्यूमर भी स्प्रेड नहीं होगा इनका। और ट्यूमर का ऐसा है कि अगर स्टार्ट एज में पता लग जाता है तो उसका इलाज है, और अगर वो फैल जाता है तो वो बाहर भी निकल आएगा, और मतलब एक इन्फेक्शन के जरिए मतलब दर्दनाक मौत का कारण बन जाता है जी वो। मेरे मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि हमारे पास भी उनको केस आता है कि ट्यूमर इलाज शुरुआत में होता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्यूमर से बचा जाए जी। आगे एक बार और दिखाते हैं उधर, और वो एक अंदर डॉग फीड कर रहा है, ये अलग रखा हुआ इधर, इसको हेड पे थोड़ा सा अग्रेसिव लड़ाई करता है, इसके हेड इंजरी थी पर ये, और कान में इंजरी थी काफी, तो अभी ये ठीक है। अब इसका भी मैं मेल का मैं सोच रही स्टरिलाइजेशन करवा दूं, क्योंकि ये आपस में फाइटिंग करते हैं, उससे इसको इंजरी हुई थी। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए इसको अलग रखा है, क्योंकि ये बार बार अपना जो घाव है फिर से ठीक वो कर लेता है। और अभी इनका फीडिंग टाइम हो चुका है। ये डॉग थी, ये ड्रम्स रोड से मेरे को मिली थी, ये पूरी पैरालाइज थी, ये मेरे पास सबसे पहली डॉग है मेरे शेल्टर की। तो हाँ जी, ये ठीक हो गई अब, बट इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी कोई वेंस है वो हड्डी के नीचे दब गई है, जिसके कारण ये प्रॉपर स्टूल पास नहीं करता, तो इसका मतलब डेली हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। और भी मैं अंदर दिखाती हूँ, जैसे फैला के चल रही है। हाँ जी, इसको भी मालिश करते हैं, ये तो बस अब ऐसे ही रहेगी लाइफ टाइम। ये तो सेवा है, जी एक और है, इसका मैंने करवा दिया है। ये सभी अपने खाने की वेट कर रहे हैं भाई, और एक फीमेल हो रहा है, इसकी पैर टूटा हुआ है,
तो ये भी स्टेरिलाइज़ हो चुका है इसका, ये भी हो चुका है। तो इसका ये है कि ये जॉइंट से इंजरी थी, मैंने दो तीन बार प्लास्टर करवाया लेकिन प्रॉपर जूं नहीं पाया, पर ये ठीक है, अपने आप सर्वाइव कर लेंगे बाहर अच्छे से। तो ये कितना पुराना हो चुका है आपका सेटअप, जैसे जब कब आपने शुरू किया था? एक साल ही हुआ, जनवरी में हमारा पूरा रेडी हुआ था और रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है लास्ट मंथ। तो टोटल अभी नंबर ऑफ डॉग्स अगर बात करें तो अभी आप कितने डॉग्स या फीमेल्स रख रहे हो यहाँ पे? अभी तो 30 के अराउंड है। 30 तो सारे के सारे ऐसे ही उसमें कोई अगर आप कोई अपील करना चाहो तो मेरे दर्शक देखते ही हैं जी, कुछ कहना चाहो या कोई हेल्प हो उसके किसी को, अगर छोटी मोटी हो भी जाएगी कोई तो आप अगर कुछ कहना चाहो तो एक बार प्लीज। मेरी फर्स्ट तो यही रिक्वेस्ट है सबसे, एक तो गाड़ी थोड़ा केयरफुली चलाएं, सेकंड अपने आसपास के जो फीमेल डॉग्स हैं उनका स्टरिलाइजेशन अगर वो करवा सकते हो तो इतना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। मैंने भी अपनी बिल्ली की फीमेल डॉग को अपने घर में रख के स्टरिलाइजेशन करवाया है, अगर वो नहीं करवा सकते तो शेल्टर पे बस इतनी हेल्प कर दें, शेल्टर तक छोड़ जाएं, आगे मैं अपने आप करवा दूंगी, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ यही है कि इनको सफरिंग से, मदर और बेबी को दोनों को सफरिंग से बचाना। और तीसरी ये है कि एज ए वॉलंटियर कोई हमारी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर अकेले के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, तो एज ए वॉलंटियर कोई हेल्प करना चाहिए तो कर सकता है। और फोर्थ, अगर मान लो कोई हेल्प करना चाहता है तो फूड की हेल्प कर दे, जैसे हम लोग इस इनको दलिया और चावल का फूड देते हैं थोड़ी पेडिग्री मिक्स करके, तो उसकी में कोई हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं। भाई अगर जिस भी भाई को हेल्प करनी हो, अगर आपके पास मतलब यहाँ पे भी आप डॉग नहीं लेके आ सकते, अगर कुरुक्षेत्र एरिए के हैं तो डॉक्टर सुनील है हमारे लाइफलाइन पेट केयर से, तो इनके रेफरेंस से आप वहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग का इलाज करा सकते हो जी। हाँ जी, ठीक है, मतलब यहाँ लाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप वहाँ पे सीधा लेके जाओ, डॉक्टर सुनील से मैम की बात करा दो, नंबर मैम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये गांव पड़ता है ऑन रोड शाहबाद, सॉरी कुरुक्षेत्र से अगर आप शाहबाद जा रहे हो तो आपके लेफ्ट में गांव आएगा और मन्नत हवेली के बिल्कुल पास से रोड आ रहा है, ये गांव पड़ता है मसाणा। तो भाई जिस भी भाई को अगर कोई भी, मतलब मेरी छोटी सी अपील है कि कोई भी कितनी भी अमाउंट की या कुछ भी मान लो हेल्प कर सकता है तो भाई जरूर जरूर करे, क्योंकि देखो यार ये अनबोलते जीव हैं। और हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर तो ये पहला एनजीओ जो मैं देख रहा हूँ वो है जी, और भाई सेवा ही है जी, हर कोई करता है यार, कोई बोल के कर लेता है, कोई बिना बोले, कोई छुपा के, कोई कैसे भी, मतलब जैसे मर्जी करो पर सेवा करो यार। और ठीक मतलब है? हमें ये नहीं कहते, हमें ना फाइनेंशियली हेल्प में सिर्फ यही चाहिए कि इनका फूड दे जाए जी, पैसे की कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि देने वाले को भी ये लगता है कि सही है बात। हाँ, कहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चावल है इनका, दलिया है या पेडिग्री है, बस ये या कोई मेडिसिन अगर देना चाहे वो डोनेट कर सकते हो जी, कुछ भी मतलब आप अपनी तरफ से डॉग्स के लिए जो आपको सुटेबल लगे कि हाँ मैं डॉग्स को ये चीज गिफ्ट करना चाहता हूँ, जैसे भी आगे विंटर गर्मियां हैं अभी, पंखा कूलर जो भी, या इन फ्यूचर सर्दी आएंगी, सर्दियों के बेड वगैरह होते हैं डॉग के, कुछ भी जो आपके दिमाग में आए यार कि हाँ यार ये चीज देनी है तो वो आप डॉग को, डॉग के लिए यहाँ दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने फंड देना है, आप वो चीज ला के दो। और दूसरी बात है कि मैम मेरी तरफ से नहीं, मैं दोबारा आऊँगा वीडियो के लिए। भाई आजा, मेरे ब्रदर का बर्थडे है जी, ये छोटा सा गिफ्ट लेके आने के लिए, एक फीड का बैग है और कुछ बिस्किट है, मैं ला के देता हूँ एक बार। ये ब्रांड नहीं दिखाएंगे भाई, फिर कोई बोल रहा कि ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांड नहीं दिखाएंगे जी, ठीक है। और ये इनके लिए जी, थैंक यू। और भाई जिस भी भाई ने विश नहीं किया तो जल्दी जल्दी विश कर दो जी। हाँ ये एक दे देगा। तो मैं सभी से अपील करूंगा जी कि अगर भाई कोई भी, देखो इनके लिए अनबोलते जीव है, चावल की अगर आप दलिया दे सकते हो या चावल या कुछ भी फूड वगैरह डॉग का, वो आप इनके लिए प्रोवाइड करा सकते हो जी, ये बोल के नहीं, आपके लिए दुआ जरूर करेंगे। और कह देते हैं एक छोटी सी बात बताऊं मैं वीडियो में, कहते हैं कि पैसा काम नहीं आता, एक दुआ काम आती है, और इनकी दुआ डायरेक्ट भगवान तक जाती है भाई। तो थोड़ा सा मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी इतने मतलब बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। मैंने आपसे शायद मेरी आपसे शायद आप फोर्थ या फिफ्थ डॉग लेके आए थे उस टाइम पे, मैंने दो तीन डॉग ऑब्जर्व किए कि मैम लेके आते हैं, कि ये हर टाइम इनके पास स्ट्रीट डॉग ही होता है। मैंने मैम से पूछा कि आप ये कहाँ से लेके आते हो, तो मैम ने तब बताया था कि मेरा एनजीओ है, और वीडियो में पहले ही बनाता था, मैम ने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने मैम से शायद एक बात की थी उस दिन कि सेवा करने के लिए कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैम ने बोला कि हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं अपना ये जो एनजीओ है, तो बहुत बड़ी बात है जी। और आपने टाइम दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी इन फ्यूचर हमारे लिए कोई सेवा हो आसपास यहाँ कोई भी,
तो आप प्लीज प्लीज फोन कीजिएगा जी। और ये नहीं है कि कोई बोल दे कि मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल पास से हूँ, ज्यादा दूर मेरे गाँव नहीं, 6-7 किलोमीटर है। सरदार जी ये यहाँ पे सेवा करते हैं, देखिए, और इनके तो गुआंडी है चिड़ुन्नी से, ठीक है जी, चिड़ुन्नी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं जी अगली वीडियो में।